ज्योतिष के जानकारों के अनुसार लगातार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से आकाश मंडल में कई शुभ योग और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की दशा राशि में ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में अच्छे नतीजे मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। आज आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा, मन के भाव भी आज सकारात्मक बने रहेंगे। यह आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। आज आपका भविष्य में अधिक विश्वास बना रहेगा, इसी कारण आज आप अपने वर्तमान से थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं। इस बारे में आपको सावधानी की जरूरत है। नौकरी और पारिवारिक कामों में व्यस्त रहने के कारण आज आपको अपने कुछ काम स्थगित करने पड़ सकते हैं। आज अपने मित्रों और संबंधियों के कारण आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। भाइयों से मेलजोल बढ़ाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज किसी भी कार्य में अधिक थकान होने से पहले ही उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। पैसों से संबंधित कुछ अच्छे अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आज आपका मूड अधिक धन खर्च करने का हो सकता है। दोस्तों, हर रोज इसी तरह कुंभ राशि की राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। आज आपको अपने किए गए अच्छे कर्मों का सम्मान या इनाम मिल सकता है। आज अपने जीवन साथी के कारण आपको कोई लाभ भी हो सकता है। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। रोजमर्रा के कार्यों में आज किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आएगी। आज आप में अधिक जोश भरा होगा, लेकिन जोश में आकर कोई भी फैसला आज ना करे। पैसों के मामले में आज हर फैसला बेहद सावधानी के साथ करे। इस मामले में कोई आप पर दबाव बनाने का प्रयास भी कर सकता है। हर फैसला अपने विवेक के आधार पर करे। सभी प्रकार के विकल्पों पर विचार करना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। किसी जरूरी मसले पर अपने परिवार के लोगों और मित्रों से सलाह अवश्य लें। उन लोगों की सलाह आपको अच्छा निर्णय लेने में मदद करेगी। आज आप अपने आप को शांत रखें। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आज समस्या आपके सामने आएगी, वह भावनात्मक तौर पर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, परंतु इन समस्याओं का समाधान आपको आसानी से मिल सकता है। आज अचानक किसी अच्छी खबर के मिलने से आप प्रसन्न हो सकते हैं। आज आप अपने सपनों की दुनिया में खोए रह सकते हैं। कोई उच्च अधिकारी या कोई बुजुर्ग आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण मददगार साबित हो सकता है। आज आपके मन में कंजूसी का भाव होगा, लेकिन खरीदारी करते वक्त आज आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं। खर्च करते हुए आज अपने हाथ को रोक कर चले। आज आपके लिए बहुत सारे काम होंगे जिनसे आपको थकावट महसूस हो सकती है। आज भागदौड़ की स्थिति लगातार आपके साथ बनी रहेगी। अपने सभी कार्यों को आज योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, अगर हम धनराशिफल की बात करें तो सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्षी आज आपके लिए समस्या का कारण हो सकता है। नया वातावरण आपको नए मौके उपलब्ध कराएगा, बस उनका सही उपयोग करें। हमेशा की तरह बेहतरीन योजनाएं बनाएं और सकारात्मक परिणाम पाए। पार्टनर्स और करीबी साथी आपकी हर स्थिति में मदद करेंगे। आज परिवार और अपने प्रियजनों के करीब आएंगे। अपने घर और काम को अच्छे से संतुलित किया है, लेकिन अपने लोगों के साथ समय बिताना ना भूले। आज का दिन आपके लिए महीने का सबसे अच्छा दिन है, इसका मजा ले। याद रखें, विचार और योजनाएं तब तक सफल नहीं होती जब तक आप प्रयास नहीं करते। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो आपको अपने ज्ञान व समझ का प्रयोग अपने करियर को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आपको अपने व्यावसायिक फैसलों पर भरोसा करना चाहिए, वे सही हैं। अगर समय के लिहाज से देखा जाए तो यह समय आपके लिए काफी भाग्यशाली रहने के असर है। दोस्तों, लवर राशिफल की अगर बात करें तो अभी आपका लिव इन पार्टनर आप पर खास मेहरबान है, और हो सकता है कि जल्द ही आप विवाह के बंधन में बन जाए। ऐसे में आपका उसके लिए कुछ खास करना तो बनता ही है। कानूनी समझौते के लिए अभी समय उचित नहीं है। अगले कुछ दिन आपके सबसे खुशी से भरे दिन हो सकते हैं। आज आप अत्यधिक ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। आप खुद को अपने परिवार के करीब पाएंगे,
प्रेम का इजहार करने में पीछे न रहे। रोमांस भी तभी आनंददायक हो सकता है जब आप अपने साथी को बता पाएं कि आप वास्तव में इसे पसंद करते हैं। दोस्तों आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की अगर बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। कुल मिलाकर आपके अच्छे हालात हैं। आप आनंद लें, जिम जाएं और मिली हुई सहूलियतों का फायदा उठाएं। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं जीवन में अगर आने लग जाए ये बदलाव, तो समझ ले कि शनि की साढ़े साथी या ढैया का हो गए हैं आप शिकार। शनि ग्रह के कारण जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगती है और इस ग्रह के भारी होने पर जातक का जीवन कष्टों से भर जाता है। शनि की दशा जैसे साढ़े साथी या ढैया के शुरू होने पर जातकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर समय रहते हुए साढ़े साथी या ढैया से जुड़े उपाय किए जाएं तो इनके प्रकोप से रक्षा होती है। इसलिए जैसे कि कुंडली में साढ़े साथी या ढैया शुरू हो जाए तो आप इन उपाय को जरूर कर ले। ज्योतिष के अनुसार साढ़े साथी या ढैया शुरू होती ही जातक के बालों पर इसका असर दिखने लग जाता है। जातक के बाल अचानक से गिरने लग जाते हैं, जबकि कई जातकों के बाल सफेद होने लग जाते हैं। बार बार शनिवार को चोट लगना भी साढ़े साथी या ढैया शुरू होने के संकेतों में से एक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को शनिवार के दिन लोहे से चोट लगे तो वह समझ ले कि उसके जीवन पर साढ़े साथी या ढैया शुरू हो गई है। कई बार साढ़े साथी या ढैया शुरू होने पर जातक का रंग भी बदलने लग जाता है और उसके चेहरे का तेज भी खत्म होने लगता है। शनि के भारी होने पर बहुत से लोगों के माथे का रंग बदलने लगता है और ललाट पर कालापन नजर आने लगता है। इसके अलावा कई व्यक्तियों के चेहरे का रंग भी काला हो जाता है। अचानक से अगर अनैतिक चीजों में मन लगने लग जाए तो भी समझ ले कि आपके जीवन पर शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ गई है। इसके अलावा शनि का प्रभाव व्यक्ति की सोच को बदल देता है और वो ऐसे कार्य को करने लग जाता है जिनसे उसे आर्थिक नुकसान होने लग जाता है। परिवार के सदस्यों से रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और जो चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अलावा साढ़े साथी या ढैया शुरू होने पर व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है और उसकी हर कोई निंदा करने लग जाता है। तो अब बात करते हैं कौन से उपाय आपको करना चाहिए। साढ़े साथी या ढैया शुरू होने पर डरे नहीं, बस शनिदेव की सच्चे मन से पूजा करें। शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साथी या ढैया का प्रकोप कम होने लग जाता है। अगला है शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करना भी लाभकारी होता है। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान का पूजन करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। अगला है काला रंग शनिदेव से जुड़ा है, इसलिए शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े धारण करें और माथे पर काला तिलक भी लगाएं। साथ में ही काली चीजों का दान भी करें। ऐसा करने से साढ़े साथी या ढैया का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिन्हें करने से आपके ऊपर की साढ़े साथी या फिर ढैया खत्म होने लगती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।